पुलिस मुठभेड़ के दौरान 5 शातिर लुटेरे अवैध शस्त्र सहित गिरफ्तार। लूट का माल व नकदी बरामद। पुलिस अधीक्षक खीरी के निर्देश में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान बीती रात्रि कोतवाली सदर पुलिस टीम द्वारा रेलवे पटरी के निकट गोला क्रॉसिंग से लूट की योजना बनाते हुए 5 शातिर लुटेरे। ये रात्रि में मुठभेड़ के बाद 5 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं सदर थाने में रेलवे क्रॉसिंग के पास से, जिसमें एक है सौरभ जायसवाल, अनुभव मिश्रा, सुभाष शुक्ला, दिलीप गौतम और विकास जायसवाल। इनसे 2 देसी तमंचे बरामद हुए हैं 315 बोर के, और 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, और इन जो ये लूटपाट करते थे, लूटपाट की घटनाएं करते थे, उनमें जो सामान इन्होंने लूट रखा था उसकी बरामदगी हुई है, जो कि एक बैग है लेडीज़ कपड़ों का, और एक इन्वर्टर है बैटरी, और 7 जो मोबाइल फ़ोन है चोरी के वो इनसे बरामद हुए हैं, और 4750 रुपये बरामद हुआ है। इन्होंने पूरा इनका आपराधिक इतिहास है, और यहीं सदर थाने के आसपास ही ये घटनाएं करते थे। पूर्व में 9 मुकदमे सुभाष शुक्ला अभियुक्त पर दर्ज हैं, और सौरभ जायसवाल पर 10 मुकदमे पंजीकृत हैं पहले से, अनुभव शुक्ला पर 9 मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके अलावा 5 ऐसे केस थे जो एकदम ब्लाइंड केस थे, अनवर्कआउट केस थे, उनकी भी घटनाएं इन्होंने कबूल की हैं, और जो सामान था वो भी इनसे बरामद हुआ है। ये लूटपाट करते थे, और शाम के समय में, अंधेरे समय में, या फिर जैसे रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर वाहन धीमा होता है तो उसमें रुकवा कर ये लूटपाट करते थे। इनको गिरफ्तार करने में हमारे सदर थाने की टीम रही है, और टीम के उत्साहवर्धन के लिए 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार हमने दिया है।